एक तरफ गर्मी से देश के ज्यादातर हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कश्मीर में तापमान में काफी गिरावट आई है, जिससे वहां का मौसम सुहाना हो गया है। जून के महीने में श्रीनगर में ठंड का एहसास हो रहा है। यहां देश के बाकी राज्यों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आग बरस रही है, और यहाँ कश्मीर में मौसम काफी सुहाना है, ठंड है, यहाँ पे जैकेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस वक्त हम डल लेक श्रीनगर में है, जहाँ पे बाहर की रियासतों से आए हुए टूरिस्ट मजा ले रहे हैं, और जैसा आप देख सकते हैं जैकेट लगाए हुए हैं, यहाँ आप टूरिस्ट को देख रहे हैं, इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी कितनी ठंड है यहाँ पे। सभी लोग जो हैं, जो यहाँ पे भी टूरिज्म के साथ रिलेटेड है, वो यहाँ पे जो है जैकेट लगाए हुए हैं, और जो बाहर से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप हमें बताइए कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम। हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम है, बहुत ठंड लग रही है, अब तो मौसम बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो यानी कि जो आप यहाँ पे आए तो काफ़ी अच्छा रहा आपके लिए यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा रहा, हमें तो बहुत मज़ा आया। आप बताएं कैसा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आप? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है, इतने टाइम बाद वापस कश्मीर आए हैं। दिल्ली इतने गर्म मौसम से एकदम इतने ठंडे मौसम में आने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं सोनमर्ग, जा रहे हैं बर्फ बर्फ देख कर आएंगे। ठंड पड़ रही है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा लग रही है। यहाँ जैकेट पहने हुए हैं सभी लोग जो भी यहाँ के हैं, और इवन फॉरेन टूरिस्ट जो आए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग मुल्कों से टूरिस्ट आए हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने गर्म मलबूसात पहने हुए हैं, जैकेट्स लगाए हुए हैं। और गुजरात महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर में डिप्रेशन के हालात में अगले कुछ चक्रवाती तूफान वायु की शक्ल ले सकते हैं। तूफान अगले दो दिनों में गुजरात के तट को छू सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जून की रात या 13 जून की सुबह गुजरात के तटवर्ती इलाके में 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और तेज बारिश हो सकती है, जिससे भारी तबाही की संभावना है। चक्रवाती तूफान वायु की चेतावनी के बाद अरब सागर में सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे दोनों राज्य पर भारी हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है, और जो मछुआरे समुद्र में हैं, उन्हें जल्द वापस लौटने को कहा गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद गुजरात सरकार हरकत में आ गई है, और सुरक्षा के मद्देनजर कई कदम उठाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमों को तटीय इलाकों में रवाना किया गया है, जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स की मदद दी जाएगी। रोड, बिल्डिंग, बिजली विभाग को पहले से ही अलर्ट किया गया है, लोगों को तटीय इलाकों में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है।